हेलो पीपल, नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ट्रैवल्स पर। और आज है 7 जून 2023 और फिलहाल अभी हम हैं अपने टोक्यो वाले होटल में और यहाँ से निकल रहे हैं अभी जाने के लिए टोक्यो के एक्वा पार्क। वाटर पार्क है यहाँ पर, एक नहीं वाटर पार्क नहीं, एक एक्वेरियम है, मैक्सेल एक्वा पार्क, वहाँ जा रहे हैं हम। मैडम रेडी हैं, हम दोनों भाई रेडी हो गए हैं, रेडी। ये हमारे होटल की लॉबी है जहाँ हम रहते हैं। होटल बहुत प्यारा है, 15 फ्लोर का लंबा चौड़ा। तो ये शिंगावा नाम का एक एरिया है, शिनागावा नाम का एरिया, शिंगावा नहीं, शिनागावा एरिया में ये पार्क है। पार्क बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जो सबसे खास बात है यहाँ की वो है यहाँ का डॉल्फिन शो। और यहाँ पे डॉल्फिन के साथ साथ ना मेरी फेवरेट डॉग वो भी रखी हुई है, पेंगुइन, ऑटर होता है, पेंगुइन है, बहुत सारी सारे जानवर हैं, तो वो सब देखने के लिए हम अभी जा रहे हैं। इसके अलावा टोक्यो में कुछ और भी देखेंगे। आज हमारा टोक्यो में ऑफिशियली लास्ट डे है, कल सुबह हमारी फ्लाइट है। This is our hotel where we are staying. Itna tha godaimasu. Closed. Umbrella जब यहाँ बारिश काफी होती है ना, अम्ब्रेला इसमें रख दो, सूख जाता है आपका अम्ब्रेला। बड़ा मस्त कॉन्सेप्ट है भाई जापनीज का। यार ये जापनीज लोग ना सुपर डुपर एडवांस्ड है, सुपर डुपर एडवांस, मतलब इनकी छोटी छोटी चीज़ें ना ऐसी हैं कि ऐसा लग रहा है इसी में जाना है, इसमें पैसे लगेंगे आज, वो कार्ड भी चार्ज कराना पड़ेगा। इनका ना सिस्टम ही अलग है भाई, बहुत एडवांस हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा। और जिनकी सब्वे है ना वो बहुत नीचे हैं, कई कई बार बहुत नीचे उतर के जाना पड़ता है, और चढ़ के चले जाओ, लेकिन जब उतर के आना पड़ता है ना तब बड़ी हालत ख़राब होती है। कुछ सब्वे इसमें ना एलिवेटर नहीं है, वैसे तो मैक्सिमम में इन्होंने एलिवेटर लगा रखा है, एलिवेटर ही पता है क्या गजब के एलिवेटर है यार इन लोगों के। इतना सा ऊपर जाएगा फिर प्लेन चलने लगेगा, फिर वही ऊपर चला जाएगा फिर वही प्लेन चलने लगेगा। लिफ्ट खुलती इधर से है, आपने इधर देखा तो लिफ्ट में इधर से घुसो और उधर से उतर जाओ, इनकी क्या लिफ्ट ऐसे जाएगी और ऐसे खुलेगी एल शेप में भाई, ज़बरदस्त। आप जब जापान आए ना मई या जून में तो एक हैट ज़रूर रखें, क्योंकि धूप निकलती है बहुत तेज़ होती है, एक अम्ब्रेला क्योंकि बारिश के बाद की धूप तो और तेज़ होती है, और एक पतली सी जैकेट, फ्लीस जैकेट, क्योंकि बारिश के बाद जब हवा चलने लग जाती है तो ठंड हो जाती है। तो यू नीड हैट, अम्ब्रेला, रेनकोट एंड अ फ्लीस जैकेट। और अब हम आ गए हैं अपनी जगह, अपने डेस्टिनेशन पे। ये होते हैं सेल्फ टिकट वाले कि हाँ खुद से इसमें एंट्री करो, खुद से टिकट ले लो, काउंटर से जाने की ज़रूरत नहीं, तो कुछ समझ लेना कुछ डिस्काउंट भी है। टिकट मिल गई 2500 yen फॉर 1 पर्सन, और 5000 yen की टिकट आ गई है, कार्ड से ली है। चलिए अब अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं मैजिकल दुनिया। देखो थोड़ा पीछे ही बैठना क्योंकि आगे चल, आगे चल, आगे ना गीले हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं, हाँ गीले तो ये रहे इधर बैठते हैं ना। सो फाइनली वी हैव मेड इट टू द प्लेस वेयर वी वांटेड टू कम टुडे, डॉल्फिन शो देखने के लिए। और चलिए आपको भी दिखाते हैं।
माय गुडनेस, क्या स्पीड है, क्या स्पीड है। ये आ गया पानी के, वाह वाह वाह। अबे बैठी भी थी, बीक गई। अमेजिंग शो यार, अमेजिंग शो था यार, अमेजिंग, मजा आ गया कसम से। मुझे कैसा लगा? तुम तो मेरा पीछे बैठी थी ना, मैंने भी उसे चमार किया ना। ये है ना ट्यूब पूरी, वाह। छोटी छोटी पेंगुइन्स, इनका गंदा क्यों रहता है हमेशा? ये मैंने अच्छा देखा है। ये डोरी और नीमू एक साथ, डोरी का डोरी ना, डोरी तो नीमू देखो, ये डोरी, हाँ ये रहा डोरी, ये रहा डोरी, रहा है वो भूल नहीं जाती थी याददाश्त उसकी, वो डोरी। इनका खौफ ही अलग है, इनको बिल्कुल ही अलग रखते हैं। तो उस बेहद ही खूबसूरत वाटर पार्क के बाद ना अभी हम दो दफा डॉल्फिन शो देख लिया हमने, ऑटर शो भी देख लिया, बड़ा मजा आया। ऑटर को खाना खिलाते हुए देखा और डॉल्फिन के शो के तो मजे आ गए। पहली बारी में शूट किया, दूसरी बारी में बैठ के मस्ती में पूरा शो देखा। अब हम एक्चुअली निकल आए वहाँ से बाहर, हम जा रहे हैं अब मेट्रोपॉलिटन टावर। अभी अपन लोग मेट्रो लेकर आ गए हैं
टोक्यो मेट्रोपॉलिटन असेंबली बिल्डिंग में। और यहाँ हम क्यों आए हैं, क्योंकि यहाँ पर ना ये बिल्डिंग ओपन है फॉर पब्लिक। यहाँ आप इसके टॉप डेक पर जा सकते हो और वहाँ से आप सिटी को पूरा देख सकते हो। तो फिलहाल हम ना उधर ही जा रहे हैं बिल्डिंग की तरफ। टॉप ना भाई, क्या था एकदम से, जरा सी देर लगी ऊपर आने में। मस्त है ये जगह। और अब आपको व्यू दिखाता हूँ मैं यहाँ से। एंड दिस इज द ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम दिस बिल्डिंग। ये रुकुंजी हिल्स है, वो उधर स्काई टावर, स्काई ट्री टोक्यो। नीचे देखना एक बार भाई, खतरनाक हॉरिबल लग रहा है यहाँ से देखने में। यहाँ बार बार तो हवाई जहाज में रेस लग रही है, तो आगे जा रहे हैं हनेडा एयरपोर्ट की तरफ उतरने के लिए, बैक टू बैक। भाई कोई बेवकूफ़ी होगा जो इस बिल्डिंग पर आने के बदले स्काई ट्री पे या फिर टोक्यो टावर जाएगा, वो भी इतने येन खर्च करेगा। क्यों भाई, इतना मस्त 360 डिग्री व्यू है यहाँ पर, इतना अच्छा एम्बियंस है, पूरा शहर दिख रहा है यहाँ से। हेजी नहीं होता ना, क्लियर होता तो माउंट फूजी भी सामने नज़र आता है। फिलहाल तो हेजी है, वो हमने पिछले ब्लॉग में आपको दिखा दिया था। अमेजिंग जगह है दोस्तों। और अगर आना है तो इसकी बिल्डिंग नंबर 1 जो मैंने पहले बताया था, साउथ ऑब्जर्वेटरी से इसका एंट्री होती है। ज़बरदस्त एंट्री है, ज़बरदस्त जगह, बहुत ज़बरदस्त व्यू, बहुत ज़बरदस्त है यहाँ से। तो दोस्तों ऊपर का तो टूर हो गया, मज़ा आ गया कसम से। और लिफ्ट तो क्या फास्ट लिफ्ट थी। अब हम यहाँ से निकल के जा रहे हैं टोक्यो स्टेशन की तरफ। मेरा मन है वहाँ ज़रा घूम के आँखने का। अब हमारी कहानी पहुँच गई है अंडरग्राउंड, अब हम जा रहे हैं मेट्रो के लिए। तो गवर्नमेंट बिल्डिंग है ना, तो यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस भी है। पासपोर्ट ऑफिस तो हमारे जैसा ही है बिल्कुल। टाइम आ गया। What a better way to end this trip. अभी कहानी थोड़ी सी और बची है वैसे तो, बट अब हम आ गए हैं टोक्यो स्टेशन के बाहर। An iconic building, टोक्यो। ये मारुनाची बिल्डिंग है, मारुनाची हिस्टोरिक बिल्डिंग। इसके पीछे टोक्यो रेलवे स्टेशन है, मेन जो स्टेशन है वो इधर ही है, मतलब स्टेशन ही टोक्यो स्टेशन ही है मतलब। और मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर बैठ कर जिस शहर को घूमा जहाँ से हमने एंट्री करी आज, उस दिन जब हम आए थे घूम कर ट्रेन से, वो बेवकूफ़ी करके उस दिन मस्ती करके। बहुत प्यारा वेदर है और ये ट्रिप बहुत अच्छा अभी तक रहा है, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। एंड फॉर श्योर वी विल कम बैक अगेन, हम जापान दोबारा ज़रूर आएंगे। लोगों के सवाल जवाब उन्हें इस ट्रिप से दिल खोल के पूछो और दिल खोल के हम आंसर देंगे। हमें पता है बहुत कुछ हमसे छूट गया है,
बहुत कुछ हमसे छूट गया आपको बताना ब्लॉग्स में, तो वो सब हम कमेंट्स के जरिए आपको बताएंगे अगर आप पूछेंगे तो। अब यहाँ से ज़रा हम अपने होटल की तरफ निकल रहे हैं, टोक्यो का वाइब लिया खूब। अब होटल पहुँच के पैकिंग वैकिंग करेंगे, थोड़ा सा पैकिंग का और दिखाता हूँ, ये स्नेहा ने क्या आतंक मचाया आपको मैं, और फिर यहाँ से हम निकलेंगे अगले दिन वापस। अभी चलिए आपको होटल में और दिखाता हूँ मैं कुछ बचा है। सुंदर लोकेशन है ना, बढ़िया जगह है, अमेजिंग है। और यहाँ मेट्रो स्टेशन में ऐसी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स के अंदर से होते हैं भाई, ये कोई होटल बिल्डिंग है बड़ी, तो यहीं से मेट्रो स्टेशन का रास्ता भी है। चलिए ढूंढते हैं कहाँ जाना है और अपने होटल पहुँचते हैं। जापान में जब आप किससे कुछ पूछो और अगर वो इंग्लिश में आपको जवाब दे दे, कितनी खुशी होती है, मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत अच्छा लगता है जब कोई आपसे जापानीज़ की जगह इंग्लिश में बात कर ले। आगे आगे हम सही आगे सही आगे मिल गया 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 ये स्टेशन, ऐसे स्टेशन हैं यहाँ के यार जबरदस्त, लेकिन कुछ कुछ तो बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार है कुछ कुछ। भीड़ निकलती है भाई एक साथ बहुत तगड़ी, और ये आ गई मेट्रो हमारे लिए, सडी मेट्रो। ये हो गए लोगों, फंस गए भीड़ में, फंस गए फंस गए फंस गए फंस गए भाई, यहाँ भीड़ से निकलने लगती यार हैं। हम हैं मारुनाची लाइन पर और हमें अगला स्टेशन जाना है गिंजा। तुम अगर गिंजा लाइन पर जाना है, मैंने देखा तुम दुनिया की भीड़ में खो गई थी, तुम्हें टोक्यो वाले बाहर ही निकलने दे रहे भीड़ में से। मैं शूट कर रहा था, मैं वही दिखा रहा, मैंने कहा ये देखो फंस गई फंस गई फंस गई। यहाँ भाई इतनी स्पीड में लोग निकलते हैं ना, जब एक लाइन से दूसरी लाइन जा रहा हूं मैं भीड़ के साथ। गिंजा लाइन के लिए ये वाला रास्ता है नीचे वाला, तो अरे ये पता खाना कहाँ मिलेगा, ये भी है और ये भी है। तो मैं अभी खाना का देखो जाती थी लाइन से बाहर निकले, मुझे वहाँ पर खाना मिल जाएगा, तो मैं अभी चल के जाती है भाई। यहाँ देखो ये एस्केलेटर पर चढ़ने की लाइन है, और जैपनीज लोगों की एक खास बात है भाई, ये लाइन में लग जाते हैं कहीं पर भी। मैंने आपको पहले ही बताया था ना, एक बार दिखाया था, अभी ये देखो फिर देखो, फिर यहाँ लाइन लग गई। और मेट्रो में ऊपर जाने के लिए कोई धक्का मुक्की नहीं, कुछ नहीं, सिंपल लाइन में चलो, बस चार लोग खड़े होंगे। और एस्केलेटर का भी रूल है, लेफ्ट हैंड साइड पे खड़ा होना है, राइट हैंड साइड पे वॉक करना है, और कोई भी ऐसा नहीं मन करेगा इधर लेफ्ट में खड़े होगे राइट में खड़े होगे, कुछ नहीं ऐसा। ये देखो ये लाइन बिल्कुल खाली है, अगर इधर चले तो जाएंगे ना उधर से चले। तो फ्रेंड्स घर आ गए, अब सोते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। कल हम निकल रहे हैं यहाँ से दिल्ली के लिए वापस। ये वाला जो ब्लॉग है वो आपको देखने को मिलेगा, हमारी जर्नी फ्रॉम नरिता एयरपोर्ट जापान टू हनोई वियतनाम, और हनोई से फिर हम जाएंगे दिल्ली, हमारी वियत जेट की फ्लाइट है। होप आपको हमारी जो सीरीज थी साउथ कोरिया और जापान की वो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो चैनल वाले को लाइक वाइक सब्सक्राइब वब्सक्राइब कर दो, कुछ नहीं जाएगा आपका, इट विल बी गुड फॉर अस। और बने रहिए, कल मिलते हैं आपसे फिर से, सुबह सुबह 5 बजे उठना है, नहीं नहीं 4 बजे उठना है, 5 बजे निकलना है, 9:30 की फ्लाइट है। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।